तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियां चलाता है ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलाश करो। बेशक वो तुम पर मेहरबान है, और जब तुमको समंदर में तकलीफ पहुंचती है यानी डूबने का खौफ होता है, तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब उस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाती है। फिर जब वो तुमको डूबने से बचाकर खुशकी की तरफ ले जाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो, और इंसान है ही ना शुक्रा। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुशकी की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे, या तुम पर संग्रेजों की भरी हुई आंधी चला दे, फिर तुम अपना कोई निगहबान ना पाओ? या इस बात से बेखौफ हो कि तुमको दूसरी दफा समंदर में ले जाए, फिर तुम पर तेज हवा चलाए और तुम्हारे कुफ्र के सबक तुम्हें डुबो दे, फिर तुम उस मामले में अपने लिए कोई बाज